Friends, welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do an Indian bank Nifty analysis for today. तो सबसे पहली बात ये है कि कल एक्सपायरी है, ठीक है? तो हमारे सामने क्या क्या चीजें हैं वो हमें पता होना चाहिए. कल एक्सपायरी है, कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीट है. यूजुअली वेंसडेज को होता है, फॉर सम रीजन इसको इन्होंने थर्सडे रखा है. तो ये दो चीजें हैं जिस वजह से वोलेटिलिटी कल हो सकती है, ठीक है? हालांकि हमारी विक्स जो है ये करीब 12.4 के आसपास है, लेकिन फिर भी बड़ी कैंडले आ सकती है. तो स्टॉप लॉस पे कंफर्म रखकर ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? आज की ट्रेंड की बात करेंगे तो गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल में ही गैप फिल हुआ, धीरे धीरे नीचे आया. कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसी के आसपास इसने सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके ऊपर गया, ठीक है? तो ऑप्शन चेन में हमें एंट्री लगभग इस एरिया में मिली थी, यहाँ पे हमने एंटर किया था. और ये एक अच्छी रैली जो कि ऑप्शंस में लगभग 100 पॉइंट्स की मूव यहाँ पे मिला, और फिर ये मार्केट दोबारा नीचे आया इस ट्रेंड लाइन पे और थोड़ा सा जो है एक बुलिश क्लोज दिया है. तो ये हुई बैंक निफ्टी की बात. निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कंटिन्यूसली रैली किए जा रहा था. इसने भी गैप अप ओपन किया, गैप फिल किया, कंटिन्यूसली ऊपर गया. ये जो चैनल की ऊपर की ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, फिर इसने भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन शुरू किया और इवेंचुअली ऊपर गया. 17,540 पे मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल था, उस लेवल पे ये थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा है और फिर उसको भी ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग दी है. 17,600 पे निफ्टी की गैप फिल हो जाएगी और बैंक निफ्टी की 41,200 से लेके 300 के बीच, ठीक है? तो बड़े प्लेयर्स ने कल क्या प्लान किए हैं वो हम देख लेंगे. तो एफआईज ने यहाँ पे करीब 6,000 फ्यूचर लॉन्ग किए हैं और लगभग 25,000 फ्यूचर शॉर्ट्स को क्लोज किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, ठीक है? लेकिन ये शॉर्ट्स क्लोज करने का कारण आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के पहले अपने आप को हल्का रखना चाहते थे, उसकी एक संकेत है ये. बट एनीवेज मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है और एफआईएस कैश में बाई कर भी रहे हैं, उसके कंपैरिजन में शॉर्ट्स को कवर करना इज ए गुड साइन. बस ये कंटिन्यू हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. ऑप्शंस देखेंगे तो इन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाई किए हैं, लगभग 1,00,000 2,000 3,000 क्वान्टिटी के. इतनी बड़ी नंबर कॉल साइड में मैं बहुत कम देखा हूँ एफआईएस की तरफ से. तो हो सकता है कि एक अच्छी मॉर्निंग में जो है आरबीआई की मीट शुरू होने से पहले, जो 10 सवा 10 बजे चालू होता है, उसके पहले मुझे लगता है कि इन लोग शायद गैप फिल कर लेंगे, यही इरादा है. लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इनके पास बहुत क्वान्टिटी में कॉल बाय है, तो उसमें लॉस नहीं होने देंगे. तो अगर डिप मिलता है तो हमें भी बाय करना चाहिए. और प्रोज को देखेंगे तो इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पुट को शॉर्ट किया है. तो दोनों भी प्लेयर्स ये दिखा रहे हैं कि इनकी व्यू बुलिश है. इनकी व्यू कल बेरिश थी और आज इनकी लगी तो सही, वो तो मानना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिप नहीं मिला और इतने कम विक्स में प्रीमियम्स भी इतने तेजी से बढ़ते नहीं है. ऊपर जो मार्केट चलती है उसमें पुट की प्रीमियम बहुत गिरती है, तो आज इनको पक्का लॉस तो हुआ होगा. और अब देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा डिप नहीं था. इन्होंने कुछ टाइम लिए यहाँ पे अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ करके, न्यू पोजिशन क्रिएट करने के लिए, वो क्लियरली विजिबल था. और इवेंचुअली मार्केट जो है दोनों भी बुलिश क्लोजिंग दिए हैं. तो कल हमें क्या करना है, देखना
ये मैंने सारी फ्रेश लेवल्स ड्रॉ की है, इसको आप भी ड्रॉ कर लेना। ये बेस्ड ऑन डाउ थियरी मैंने ड्रॉ किया है, जिसको ये लेवल्स निकालना नहीं आता है वो मेरी डाउ थियरी की वीडियो जरूर देखा। तो इससे क्या है, ये अपनी ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेकेंड लास्ट लेवल जो होता है वो अपनी ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट होती है। इसका कलर हम ब्लू रखते हैं ताकि ध्यान में रहे। तो बेरिश हमें इस लेवल के नीचे ही होना है, जो कि 40,840, ठीक है। 40,840 से लेके 820 समझ लीजिएगा, इसके नीचे जो है हम पुट की ट्रेड लेंगे। टारगेट जो है हमारी करीब 4680 का होगा पहले, और लगभग जो है हम 40,600 या 550 तक की फॉल देख सकते हैं, अगर आरबीआई की कोई न्यूज़ ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहे तो एक नीचे इतनी लंबी मूव जो है हम देख सकते हैं। और कोई भी डिप हमें अगर बाय चांस 40,900 तक मिलता है और यहाँ से यू टर्न ले लेता है और इस लेवल के ऊपर आ जाता है, जो कि 4,960, हमें डेफिनेटली एक कॉल बाय करनी चाहिए। ये एकदम सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी के पहले अगर ये डिप मिलता है तो कॉल बाय हमें ज़रूर देखना चाहिए। और कल एक्सपायरी है तो आपको पता है कि अगर राउंड नंबर की खेल होती है, ठीक है, तो हमारे सामने 41,000 जो है एक राउंड नंबर है। हम कहीं ना कहीं उसके नीचे ही क्लोज किए हैं, और कल इसके ऊपर होने ओपन होने पे डेफिनेटली यहाँ पे पुट राइटिंग देखी जा सकती है बेस्ड ऑन FIS की पोजीशन, और एक अप मूव मिल सकता है। एटलीस्ट हम गैप फिल करने के बारे में तो सोच सकते हैं, 41,200 से लेके 270, ठीक है। तो एनी डिप और बाय अगर हम 960 के आसपास करते हैं, ये हमारी टारगेट है। और डायरेक्टली मार्केट अगर इस लेवल पे ओपन होता है 41,200 से 270 के बीच में, आप इमिजिएटली जो है फर्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन के बाद जैसे सेकेंड कैंडल इसकी लो ब्रेक करता है, आप एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपकी होनी चाहिए लगभग, फर्स्ट टारगेट है 41,000 और सेकेंड टारगेट होगा 40,900, तो ये हमारी प्लान है वैंग निफ्टी की। देखिए रेजिस्टेंस एक्चुअली यहाँ पे है 200 से लेके 270। निफ्टी अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट हमारा है 40,480। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। तो कोई भी डिप हमें निफ्टी में अगर इन केस मॉर्निंग में मिलता है तो 17,516 तक का ही डिप चाहिए, और ये डिप में तुरंत बाय मत कर लेना। ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसको क्रॉस करना चाहिए। जब ये क्रॉस करेगा तब हम कॉल बाय करेंगे, और इमीडिएट टारगेट जो है वो है 17,600, यहाँ से लेके 1,640 तक जा सकता है। 600 पे गैप फिल होता है, थोड़ा सा एडिशनल मूव आ सकता है बेस्ड ऑन बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा गैप है तो कोशिश हो सकती है, बट निफ्टी में मैं कल इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि ये लेवल बहुत पास में है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे टाइम पास करे और बैंक निफ्टी जो है धीरे धीरे ऊपर जाए। बेरिश हमें 480 के नीचे ही होना है। 17,480 के नीचे अगर टिक जाता है 15 मिनट्स भी, तो आपको हो सकता है कि 17,380 तक का फॉल देखने मिल सकता है, ठीक है। और ये भी अगर गैप अप खुलता है 17,600 के पास, बैंक निफ्टी को पहले वॉच करिएगा कि वो अगर 41,150 ऐसे कोई लेवल पे है तो वो कोशिश करेगा कि 41,200-250 को टच करे। वो टच करने के बाद जब भी कोई एक ग्रीन कैंडल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज दे दे तो आप निफ्टी में एक पुट ट्रेड बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो थोड़ा सा जो है अवॉइड करना, अगर इस रेंज में ओपन होता है ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट के नीचे ओपन होता है तो हम डेफिनेटली
एक पुल बैक की वेट करेंगे और फिर जो है पुट की ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर इस एरिया में खुलता है तो ये इवेंचुअली आरबीआई की एमपीसी के पहले ही रिकवरी दिखा के बुलिश बन के खड़ा हो जाएगा, तो ये ट्रेड को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली 516 पे ओपन होता है तो आप फर्स्ट कैंडल का वेट करके सेकंड कैंडल जब हाई ब्रेक करता है तो कॉल बिल्कुल ले सकते हो। तो यही प्लान है अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैंने कल ऑप्शन चेन की वीडियो डाली थी, काफ़ी लोगों ने देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग देखें उसको और सीखें, और आने वाले दिनों में और भी डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शन चेन से आप कैसे कैसे एंट्रीज अपने रिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय।